फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बचपन में किंडर जॉय को खाया है? ये अक्सर बच्चों को बहुत पसंद है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, ये किंडर जॉय कंपनी एक इटालियन कंपनी है और इस कंपनी की पूरी रेवेन्यू 1538 करोड़ है। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनियां किंडर जॉय में क्या डालती हैं जो कि बच्चे इसे बहुत मन से खाते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक करने से आप हमारा उत्साह को बढ़ाते हैं और हम वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किंडर जॉय का सफर कोका बीन्स से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कोका बीन्स को छटैया कर ली जाती है। जो भी खराब बीन्स रहते हैं उन्हें साइड में करके अच्छे बीन्स को निकाल लिया जाता है। उसके बाद कोका बीन्स का कोका बटर बनाया जाता है और फिर कोका बटर को मिक्सर मशीन में डालकर कुछ समय के लिए रोटेट कर दिया जाता है जो कि और भी ये गाढ़ापन आ जाए इसमें। और उसके बाद शुगर को भी डालकर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। पूरी तरह मिक्स हो जाने के बाद यह येलो क्रीम कलर का हो जाता है और फिर कुछ समय रोटेट हो जाने के बाद इसे एक दिन के लिए बंद कर कर छोड़ दिया जाता है। और कल तक जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो इसमें मिल्क पाउडर और अन्य इंग्रेडिएंट डाल दिए जाते हैं और इसे पतला करने के लिए कोका बटर को भी डाल दिया जाता है। और कुछ समय रोटेट हो जाने के बाद ये पूरी तरह क्रीमी कलर का हो जाता है और ये क्रीम बनकर तैयार हो जाता है। फिर भी इसे 30 मिनट तक चलाया जाता है जो कि ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए और क्रीम जैसा दिखने लगे। और फिर व्हाइट चॉकलेट बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब बारी आती है ब्राउन चॉकलेट को बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए भी कोका बीन्स का यूज किया जाता है जो कि इसमें चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। और फिर इस कोका बीन्स को दो स्टेप में पाउडर बनाया जाता है। पहले स्टेप में इसे छोटा छोटा कर दिया जाता है और फिर दूसरे नेक्स्ट स्टेप में इसको मशीन में डालकर पतला पतला पाउडर कर दिया जाता है। और फिर कोका बटर को डालकर मिक्सर मशीन में पूरी तरह चलाया जाता है और शुगर को भी उसी दौरान डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें कोका बटर के पाउडर को डाल दिया जाता है और उसके बाद इसे 30 मिनट तक रोटेट किया जाता है और फिर ये चॉकलेट के रूप में आ जाता है। ये लिक्विड चॉकलेट ज़्यादा पतला होने के कारण इसे थोड़ा सॉलिड करने के लिए दो रोलर के बीच से निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद इसे कुछ समय के लिए छोड़कर सूखने के लिए रख दिया जाता है और फिर ये ब्राउन चॉकलेट पूरी तरह सूख जाने के बाद इसे दूसरे वर्कर के द्वारा बाल्टी में निकाल लिया जाता है और फिर मशीन में डालकर किंडर जॉय में फिलिंग करने के लिए रेडी किया जाता है। इसके बाद किंडर जॉय के पैकेट को तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले मशीन में पतले प्लास्टिक के फाइबर को डाला जाता है और किंडर जॉय के पैकेट का शेप दे दिया जाता है। ये काम प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन के द्वारा होता है और फिर दूसरे मशीन के द्वारा इसमें चॉकलेट को फिल कर लिया जाता है और फिर फिल हुए चॉकलेट को कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये चॉकलेट थोड़ा सूख जाता है उसके नेक्स्ट प्रोसेस में दूसरे मशीन के द्वारा इसमें चॉकलेट के बॉल डाल दिए जाते हैं और ये बॉल कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा सारे किंडर जॉय के पैकेट में डाल दिए जाते हैं और फिर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इसे आगे ले जाकर दूसरे वर्करों के द्वारा इसके खुले हुए पैकेट को पैक कर दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे की तरफ ले जाकर ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन के द्वारा इसे बाइंड कर दिया जाता है जो कि इसमें एयर ना जाए और कुछ दिन तक ये टिके खराब ना हो। और फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगती है, आपको नॉलेजफुल हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें जो कि हमारा उत्साह बढ़े और हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपका नॉलेज बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।